आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान इयान ने भारी तबाही मचाई है। नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक तूफान फ्लोरिडा के साउथ वेस्ट कोस्ट पर टकराया। इससे फोर्ट मायर्स शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां तेज हवा चल रही है और बारिश हो रही है। मौसम खराब होने के चलते समुद्र में ऊंची लहरें उठी, जिससे स्टॉक आइसलैंड के पास एक नाव डूब गई। 23 लोगों के लापता होने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाव में क्यूबा के प्रवासी सवार थे। अमेरिका के कोस्ट गार्ड में लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। चीफ पेट्रोल ऑफिसर वाल्टर स्लोसार ने कहा, समुद्री चक्रवात के कारण नाव डूबने के बाद क्यूबा के 3 प्रवासी तैरकर किनारे पर आ गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम लोगों की तलाश कर रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा, यह कैटेगरी 4 तूफान का बहुत बड़ा तबाही मचा सकता है। कैरिबियन समुद्र से उठा इयान पहले क्यूबा में भयानक तबाही मचा चुका है। तूफान ने 27 सितंबर को क्यूबा के वेस्ट कोस्ट पर दस्तक दी थी। यहां 205 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। लेकिन फ्लोरिडा में ये 1991 में आए तारपोन स्प्रिंग तूफान से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। यहां 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल रही है। खतरे को देखते हुए 8.5 लाख घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोक दी गई है। इससे करीब 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका सरकार ने फ्लोरिडा में हफ्ते भर के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी है। करीब 25 लाख लोगों को घर खाली करने के निर्देश भी दिए हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तूफान खतरनाक रूप ले रहा है। जॉर्जिया और साउथ कैरोलिना में 2 लोगों की मौत की खबर है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।